नमस्कार, मैं प्रिया। आज 28 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यास तूफान के चलते पूर्वी बिहार और दक्षिण बिहार में तेज बारिश के आसार। वीटीआर में एक साल में बढ़े 25 तेज हुए। बिहार में नए मरीजों के मुकाबले ज्यादा मरीज हो रहे हैं डिस्चार्ज। मिडिल स्कूल के छात्रों की भी शुरू हुई दूरदर्शन पर पढ़ाई। स्पाइसेस बोर्ड ने निकाली भर्ती। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोविड-19 के मिले 2000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 2568 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,447 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 111, अरवल में 8, औरंगाबाद में 35, बांका में 4, बेगूसराय में 136, भागलपुर में 35, भोजपुर में 18, बक्सर में 19, दरभंगा में 79, ईस्ट चंपारण में 82, गया में 70, गोपालगंज में 151, जमुई में 18, जहानाबाद में 13, कैमूर में 6, कटिहार में 54, खगड़िया में 30, किशनगंज में 118, लखीसराय में 21, मधेपुरा में 61, मधुबनी में 52, मुंगेर में 33, मुजफ्फरपुर में 128, नालंदा में 85, नवादा में 28, पटना में 369, पूर्णिया में 80, रोहतास में 8, सहरसा में 40, समस्तीपुर में 121, सारण में 65, शेखपुरा में 15, शिवहर में 23, सीतामढ़ी में 37, सिवान में 84, सुपौल में 108, वैशाली में 107, वेस्ट चंपारण में 69 मामले सामने आए। इसके साथ ही 47 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5,015 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,22,126 सैंपल की जाँच की गई है। मिडिल स्कूल के छात्रों की भी शुरू हुई दूरदर्शन पर पढ़ाई। दूरदर्शन पर हाई स्कूल के छात्रों के अलावा मिडिल स्कूल के छात्रों की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। डीडी बिहार पर सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की क्लास चल रही है। इस दौरान बच्चों को कोविड-19 से बचाव की जानकारी भी दी जा रही है, जिसके तहत मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नाम से सुबह 9 से 10 के बीच कक्षा 6 से कक्षा 8 के सरकारी स्कूल के छात्रों की पढ़ाई करवाई जा रही है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 10 मई से कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों की क्लास चल रही है। लॉकडाउन के माहौल में दूरदर्शन पर क्लास की मांग हो रही थी, जिसको देखते हुए ही बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक की मदद से 6 से 8 तक के कक्षाओं के संचालन की अनुमति दे दी गई है। वीटीआर में एक साल में बढ़े 25 तेंदुए। बाघों के लिए आरक्षित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ साथ अन्य वन्य जीवों की संख्या बढ़ गई है, जिसको लेकर वन विभाग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। अधिकारी वीटीआर में तेंदुआ के बढ़ते मूवमेंट को उनकी बढ़ती संख्या से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो वर्तमान में तेंदुआ की संख्या 90 हो गई है। पिछले दिनों वाल्मीकि नगर आए वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने वन अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट ली थी, जिसमें अधिकारियों ने एक साल में 25 तेंदुए के बढ़ने की जानकारी दी थी। साल 2020 की बात करें तो तेंदुए की संख्या 65 थी, लेकिन इस साल ट्रैप कैमरे से ली गई तस्वीरों में इनकी संख्या 90 हो गई है। आपको बता दें, वन महकमा बाघों के साथ तेंदुए के संवर्धन को लेकर भी काम कर रहा है। इनकी संख्या गनौरी, हरनाटार, वाल्मीकि नगर, च्यूटाहा और गोवर्धना में ज्यादा दर्ज की गई है। सीबीएसई ने जारी किया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह में जारी करने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बिना परीक्षा के रिजल्ट कैसे जारी होगा, इस बारे में बहुत पहले ही अपनी मार्किंग पॉलिसी सीबीएसई बता चुका है। हालांकि कुछ छात्र, पेरेंट्स और टीचर्स के कंफ्यूजन अभी भी देखने को मिल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं रिजल्ट को लेकर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जारी किया है, जिसके तहत अगर किसी स्टूडेंट ने पूरे साल में एक भी स्कूल टेस्ट नहीं दिया है तो उसका रिजल्ट कैसे बनेगा, यह सवाल पूछा गया है। जिसके जवाब में सीबीएसई ने कहा कि स्कूल अब ऐसे स्टूडेंट का टेस्ट ले सकता है, या टेस्ट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से ली जाएगी या फिर फोन कॉल के जरिए लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर पेरेंट्स बच्चों के रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो रिजल्ट के बाद मार्क्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो क्या करें, इसके जवाब में सीबीएसई ने कहा कि बोर्ड ने ऐसी कोई सुविधा नहीं दी है। आप ना तो टेस्ट कॉपी देख सकते हैं और ना ही मार्क्स वेरीफिकेशन के बारे में अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में नए मरीजों के मुकाबले ज्यादा मरीज हो रहे हैं डिस्चार्ज। कोविड-19 के मामले बिहार में अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बिहार के लिए राहत की खबर सामने आई है। नए मरीजों के मुकाबले डिस्चार्ज हो रहे मरीजों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। यही कारण है कि कोविड-19 का असर बिहार में दूसरी लहर में देखने को मिला है और अब जो है ये लहर काबू होती दिखाई दे रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर के अस्पताल और कोविड-19 सेंटर में खाली बेड देखने को मिल रहे हैं। इलाज के लिए शहर के पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और इसके अलावा बेहटा ईएसआईसी अस्पताल को कोविड-19 सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पतालों को मिलाकर मरीजों के लिए आरक्षित बेड्स में से 60% बेड रिक्त नजर आ रहे हैं।
स्पाइसेस बोर्ड ने निकाली 12 पदों की भर्ती, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए हम सोचा। स्पाइसेस बोर्ड ने हाल ही में 12 रिक्तियां निकाली हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन स्पाइसेस बोर्ड भारत में रायबरेली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई स्थित गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला में क्वालिटी एनालिस्ट ट्रेनी पदों के लिए विज्ञापन जारी कर चुका है। बोर्ड की तरफ से 24 मई और 25 मई को जारी 3 अलग-अलग विज्ञापनों के अनुसार विज्ञापन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ईमेल से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि स्पाइसेस बोर्ड द्वारा इन सभी पदों के लिए संविदा के आधार पर भर्ती की जानी है और संविदा की अवधि अधिकतम 2 साल होगी, जिसके तहत इच्छुक उम्मीदवार indianspices.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे ब्रह्मानंद एस सिंह की। ब्रह्मानंद एस सिंह का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में 3 मई 1965 को हुआ था। ब्रह्मानंद एस सिंह या ब्रह्मानंद सिंह एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता, एक व्यापक रूप से प्रकाशित लेखक और मुंबई भारत से बाहर एक जीवन कोच है। उन्हें कागज की कश्ती, जगजीत सिंह पर एक बायोपिक और आरडी बर्मन पर उनकी फीचर लंबाई वाली डॉक्यूमेंट्री पंचम अनमिक्स्ड, मुझे चलते जाना है जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने सामाजिक प्रभाव परियोजना और आशा के विचारों के माध्यम से जीवन को बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में RE X कर्मवीर चक्र पुरस्कार भी जीता है। आरके सिन्हा ने बिहार सरकार को अपने यहां विदेश निवेशकों को आकर्षित करने की दी नसीहत। भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने हाल ही में भारत की तरफ से निवेशकों का भरोसा बढ़ने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि COVID-19 के कहर में एक सुखद खबर सामने आई है कि देश में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान $81.72 अरब का प्रत्यक्ष पूंजी निवेश FDI आया है। यह पिछले 32 साल की तुलना में 10% अधिक रहा है। इस अवधि में दुनिया भर में भारत से अधिक FDI का निवेश कहीं नहीं हुआ। उन्होंने आगे बताया कि बिहार सरकार को भी केंद्र सरकार की तरफ से विदेशी निवेशकों को मूलभूत सुविधाओं के साथ आकर्षित कराने हेतु पहल करनी चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था के साथ और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में और तेजी लाई जा सके। COVID-19 से जान गंवाने पर मुआवजे के लिए इस नंबर पर करें कॉल। तो अब आप भी मुआवजे की राशि के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मुआवजे राशि के भुगतान की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए पटना के लिए फोन और व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है, जिसके तहत आप 0612-221-9090 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुआवजे की राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं, जिसके तहत आपको 9430244559 पर जान गंवाने वालों की पूरी जानकारी साझा करनी होगी, जिसके तहत आपको मृतकों का नाम, आवासीय पता, गांव, वार्ड नंबर, रोड नंबर, मकान नंबर, प्रखंड, थाना और डाकघर, COVID-19 पॉजिटिव होने की तारीख, रिपोर्ट की प्रतिलिपि, मृत्यु की तारीख और मृत्यु स्थल, आश्रितों का नाम, मृतक के साथ संबंध और मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र के साथ बैंक खाते की जानकारी साझा करनी होगी। पूर्वी बिहार और दक्षिणी बिहार में तेज बारिश के आसार। चक्रवाती तूफान यास को लेकर कई तरह की आशंकाएं बिहार को लेकर जारी की जा रही थी। हालांकि पटना के मौसम विभाग ने जो नया अपडेट दिया है उसके अनुसार कई जिलों में बारिश तो होती रहेगी, लेकिन प्रदेश में जानमाल का अधिक नुकसान नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार हवा चलने की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। अब अगले 70 घंटे तक बिहार में बादल बने रहेंगे और कई इलाकों में बारिश होती रहेगी। इस वजह से लोलैंड वाले इलाके में जलजमाव और बाढ़ जैसे हालात का खतरा बना हुआ है। मौसम के डायरेक्टर ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उड़ीसा और तटीय इलाके वाली स्थिति बिहार में नहीं दिखेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग के जिलों में अगले 24 घंटे तक तेज बारिश होगी। बिहार में धीमी बारिश लंबे समय तक होती रहेगी। बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी मनचाही जगह कर सकेंगे ट्रांसफर। नियोजित शिक्षकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बिहार के नियोजित शिक्षक अब मनचाही जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जून के पहले सप्ताह में उन्हें आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है। ट्रांसफर सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। गाइडलाइन के साथ अधिसूचना इसी हफ्ते जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के तबादले के लिए जो सेवा शर्त पिछले साल बनाई गई है उसके मुताबिक महिलाओं और दिव्यांग शिक्षकों को पूरे कार्यकाल के दौरान एक बार अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई तबादले का मौका मिलेगा। वहीं पुरुष शिक्षकों को एक बार म्यूचुअल ट्रांसफर का मौका मिलेगा, जिसके बाद खबरों की मारे तो ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 10 से 15 दिनों का मौका मिलेगा। बिहार में मनरेगा योजना पर COVID-19 का असर। मनरेगा योजना पर COVID-19 का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि इस योजना के लिए पर्याप्त श्रमिक नहीं मिल रहे हैं। सरकार 2.25 करोड़ से अधिक सक्रिय जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन मजदूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इस योजना के दोनों मदों, मजदूरी और सामानों की खरीद मद में पर्याप्त धन उपलब्ध है। फिर भी काम की मांग उस अनुपात में नहीं हो रही है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि सरकार काम मांगने वाले सभी पंजीकृत मजदूरों को रोजी देने के लिए तैयार है।
इस मद में धन की कोई कमी नहीं है। हालांकि सरकार को उम्मीद थी कि लॉकडाउन में काम मांगने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता देखा जा रहा है। 25 मई को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 10 लाख मजदूर ही काम पर आए थे, जबकि सरकार ने 3,50,00,000 से अधिक श्रम दिवस सृजित किए हैं। अब एक फोन कॉल पर आपके घर पहुंच जाएगा जर्दालू आम और लीची। सरकार जल्द ही कोविड-19 के वर्तमान माहौल को देखते हुए डोर टू डोर डिलीवरी की सेवा शुरू करने वाली है, जिसके तहत अब मात्र एक फोन कॉल पर आपके घर जर्दालू आम और लीची को पहुंचा दिया जाएगा। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बीते दिन इस बात की जानकारी दी और बताया है कि उपभोक्ताओं के घर पहुंचने वाला यह फल प्राकृतिक रूप से पका हुआ होगा। वो बाजार की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण एवं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। इस बाबत उन्होंने कहा है कि जर्दालू आम और शाही लीची से जुड़े किसान उत्पादक समूह को उद्यान निदेशालय में गठित तकनीकी सहयोग समूह के माध्यम से बिग बास्केट, देहात और उड़ान जैसी संस्थाओं से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षक बहाली के मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 1,25,00,000 शिक्षक नियोजन के मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बिहार सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने चीफ जस्टिस से ब्लाइंड केस की सुनवाई करने का अनुरोध किया था, ताकि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सके। आपको बता दें, नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन याचिका पर ही पटना हाईकोर्ट ने पिछले साल बिहार में चल रहे छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया पर रोक लगा दिया था। शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन करने वाले लाखों शिक्षक लंबे समय से सरकार से यह मांग कर रहे थे कि वो पटना हाईकोर्ट में इस केस की मेंशनिंग कराए, ताकि जल्द से जल्द सुनवाई हो सके, जिसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीद जाग गई है। बिहार के सभी शहरों की चौड़ी सड़कों का जिम्मा अब होगा पथ निर्माण विभाग पर। पटना समेत बिहार के सभी शहरों का चौड़ीकरण सड़कों की जिम्मेदारी अब पथ निर्माण विभाग की होने वाली है। सरकार के नए फैसले के बाद शहर की 6 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़कों का निर्माण और देखरेख पथ निर्माण विभाग करने वाला है। इससे पहले इन सड़कों का निर्माण का जिम्मा नगर आवास के पास दिया गया था। शहर की सड़कों के निर्माण और देखरेख को लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित करवाई गई थी। इसमें ही कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, पथ निर्माण मंत्री नवीन, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना, वित्त विभाग के प्रथम सचिव एस सिद्धार्थ ने हिस्सा लिया था। पथ निर्माण विभाग को 10 जून तक इन सभी सड़कों को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद इन सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम विभाग करेगी। इसके बाद शहरों की खस्ता हाल सड़कों के बन जाने की उम्मीद जाग गई है। 6 महीने में 2,25,00,000 यात्रियों ने भरी उड़ान। दरभंगा एयरपोर्ट ने बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है, जिसके तहत बीते 6 महीने में यहां से 2,25,00,000 यात्रियों ने उड़ान भरी है। कोविड-19 संक्रमण में जब यात्रियों की संख्या दूसरे एयरपोर्ट पर कम होती नजर आ रही है, वहीं दरभंगा एयरपोर्ट पर लगातार यात्रियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही कोलकाता रीजन में कोलकाता और पटना के बाद दरभंगा एयरपोर्ट तीसरा व्यस्त एयरपोर्ट बनकर उभरा है। ऐसे में दरभंगा फ्लाइट सर्विस को और बेहतर करने की कोशिश भी लगातार जारी है। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट की इस उपलब्धि पर नगर विधायक संजय सारावगी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यहां से विमान सेवा संचालित करने वाली कंपनी को लेकर ऐसे फायदे हो रहे हैं। इसी को देखते हुए यहां फ्लाइट की संख्या बढ़ा दी गई है। शुरुआत में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए एक एक फ्लाइट थी, जबकि आज की तारीख में इन शहरों के लिए 2-2 फ्लाइट उड़ान भर रही है। आधार कार्ड की यह खास सर्विस हुई बंद। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी हर जरूरत में काम आता है। इसी के तहत आधार कार्ड में भी समय समय पर काफी बदलाव किए गए हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस साल PVC आधार कार्ड जारी करने का फैसला सुनाया है, जिसे रखना आसान है और लंबे समय तक चलता भी रहेगा। अब तक आधार कार्ड कागज पर प्रिंटेड फॉर्म में ही आते थे, लेकिन UIDAI ने आधार कार्ड के डिजिटल ग्रुप को मंजूरी दे दी है। यानी आप अपने मोबाइल से इसे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल आधार कार्ड को ही मान्यता दी जाएगी जितनी फिजिकल की। आपको बता दें, यह कार्ड मात्र 50 रुपए में बन जाता है। इसके लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट UIDAI.gov.in पर जाना होगा, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पप्पू यादव को रिहाई के लिए अभी करना होगा और इंतजार। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव की जमानत अभी नहीं होने वाली है। 32 साल पुराने अपहरण मामले में गिरफ्तार हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव को अभी जेल में ही रहना होगा। दरअसल जाप प्रमुख पप्पू यादव को फिलहाल मधेपुरा की निचली अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। उनकी तरफ से गुरुवार को मधेपुरा के ACJM कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन जमानत नहीं मिली। बीते दिन मामले की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हुई। वहीं बीते दिन हुई सुनवाई में कई गवाह भी मौजूद थे। आपको बता दें, पप्पू यादव की रिहाई को लेकर लगातार बिहार में अलग अलग स्तर पर विरोध किया जा रहा है। बिहार में RT-PCR टेस्ट पर अश्विनी कुमार ने दिया बयान। बिहार में कोविड-19 की जांच के लिए हो रहे RT-PCR टेस्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि दूसरे फेज में 6 जिलों में RT-PCR लैब लगाए जाएंगे। साथ ही एम्स पटना, नालंदा के पावापुरी स्थित वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक एक RNA एक्सट्रैक्शन मशीन को भी इंस्टॉल किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार निरंतर सभी स्थितियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। जांच की गति को भी तेज किया गया है और लोगों को शीघ्र रिपोर्ट मिले, इसके लिए भी राज्य और केंद्र ने व्यापक कदम उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने
बताया कि बक्सर, कैमूर, गोपालगंज, बांका जिला अस्पताल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पावापुरी, नालंदा में आरटीपीसीआर लैब की स्थापना की कवायद शुरू होने वाली है। लालू यादव ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और लालू प्रसाद यादव इन दिनों राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने एक बार फिर से अपना बयान जारी किया है। लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में ट्वीट जारी करते हुए कहा था कि स्वास्थ्य केंद्र बंद कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करना चाहिए। उनके जवाब में ही जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू ने 123 चरवाहा विद्यालय बनाए हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग स्कूल के बारे में क्यों नहीं सोचा। लालू ऐसे नेता हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल अपने विधायकों से संवाद में तो नीचे हो जाता है, लेकिन पॉलिटिकल किट आगे बढ़ जाता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1414 में खिज खान ने दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा किया था और सैयद वंश के शासन की नींव रखी। 1883 में हिंदुत्ववादी नेता और कवि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। 1996 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दिया। 1923 में प्रसिद्ध अभिनेता एवं तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव का जन्म हुआ था। रविशंकर प्रसाद ने नए नियमों से व्हाट्सएप यूजर को डरने की नहीं दी नसीहत। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में व्हाट्सएप यूजर को नए नियमों से नहीं डरने की नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया नियमों से डरने की कोई जरूरत नहीं है और यह नियम इन मंचों के दुरुपयोग को रोकने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नए नियमों के तहत उपयोगकर्ता के पास शिकायत निवारण के लिए एक मजबूत तंत्र होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सवाल पूछने के अधिकार सहित आलोचनाओं का स्वागत करती है। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने माइक्रो ब्लॉगिंग मंच कू पर पोस्ट किया है, साथ ही ट्वीट करते हुए कहा कि नए नियम किसी दुर्व्यवहार और दुरुपयोग की स्थिति में सोशल मीडिया के सामान्य उपयोगकर्ता को सशक्त बनाते हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने विराट कोहली के बाद इस खिलाड़ी के कप्तान बनने की कही बात। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के बाद किसे कप्तानी मिल सकती है, यह सवाल हर क्रिकेट प्रेमी के मन में है। वहीं इस संबंध में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज सलमान ने प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने यूट्यूब चैनल पर एक प्रशंसक द्वारा किए गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऋषभ पंत, रोहित शर्मा या अजिंक्य रहाणे में से कोई आगे चलकर भारतीय टीम का कप्तान बन सकता है। इसके साथ ही ऋषभ पंत के बारे में उन्होंने कहा कि पंत को लेकर भारतीय बोर्ड के पास जरूर कुछ भविष्य की योजना हो सकती है। हालांकि इन सबके बीच उन्होंने ये भी साफ कहा है आने वाले 8 से 9 साल के लिए विराट कोहली कहीं नहीं जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नया ऑपरेटिंग सिस्टम जल्द होगा लॉन्च। माइक्रोसॉफ्ट का नया ऑपरेटिंग सिस्टम जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट की बिल्ड डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2021 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कंपनी के सीईओ सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के नए वर्जन को लेकर हाल ही में बड़ा खुलासा कर चुके हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का नया वर्जन जल्द लॉन्च किया जाएगा। हालांकि उन्होंने नए वर्जन के फीचर्स और लॉन्चिंग तारीख को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा कि हम डेवलपर्स और क्रिएटर्स के लिए जल्द से जल्द आर्थिक अवसर तैयार करेंगे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 27 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,600 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,600 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,400 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 96.02 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.03 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रहलाद कुमार, जयप्रकाश, रोहित कुमार, सूरज कुमार, गुनगुन कुमार, प्रिंस कुमार, अंजलि सिंह, श्वेता प्रदीप, भारत प्रसाद, नीतीश कुमार, मधुबाला मोहम्मद, जैस्मिन, सूरज कुमार, मनोज कुमार, कंचन कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोविड-19 के मामलों में गिरावट को देखते हुए सरकार को 1 जून के बाद बिहार में लॉकडाउन हटा देना चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।